नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नारद टीवी पर। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास पेशकश भूले बिसरे लोग। इस शो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे फिल्मी सितारों की जिन्होंने अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीत लिया, परंतु समय की धूल उनके व्यक्तित्व पर कुछ ऐसी जमी कि लोगों ने उन्हें दिल और दिमाग दोनों से उतार दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिसने एक्टिंग के हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। चाहे हम बात करें लगान के घूरन महतो की और चाहे महाभारत के वेद व्यास की, इनके हर चरित्र की जमकर सराहना हुई। रानी कहेंगे, गीदड़न की औलादो, धूप में जुगनू ढूंढा था, एक दिन वापस वही गोरे टापू पे लौटे के पड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी स्टार राजेश विवेक की। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जहांगीराबाद में 31 जनवरी 1949 को हुआ था। इनकी जानकारी इंटरनेट पर आपको बहुत कम ही मिलेगी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जौनपुर में ही हुई। एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था, बस फिर क्या था, 70 के दशक में ये पहुंच गए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। वहां इनके एक्टिंग से हर कोई प्रभावित हो गया। इनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई 1978 में फिल्म जुनून। इस फिल्म में इन्हें शशि कपूर, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी आदि बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इनके इस कदम से NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाराज हो गई और इन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ इनके जीवन के संघर्ष का असली दौर। फिल्मों में काम के लिए ये माया नगरी मुंबई में दर बदर भटकने लगे। फिर इन्हें एक छोटा सा रोल मिला 1985 में आई राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली में। इस फिल्म में इन्होंने डोम का किरदार निभाया। किरदार तो छोटा था, लेकिन ये इनके एक्टिंग के करियर के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन संघर्ष का दौर अभी गया नहीं था। 1988 में आई फिल्म वीराना से इन्हें थोड़ी शोहरत मिली। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों जैसे स्वदेश, त्रिदेव, जोशीले, विष्कन्या आदि फिल्मों में छोटा मोटा रोल करके अपने फिल्मी करियर को एक नई दिशा प्रदान की। 1988 से 1990 के बीच चले B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत में इन्होंने वेद व्यास का किरदार निभाया। वो साल था 2001 और आशुतोष गोवारिकर फिल्म बना रहे थे लगान। इस फिल्म में इन्हें किरदार मिला घूरन महतो का और इस किरदार ने इन्हें फिल्म जगत का एक नामी सितारा बना दिया। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्में की जैसे बंटी और बबली, भूत अंकल, जोधा अकबर, शनाप सरदार, शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश में भी इनके काम की तारीफ हुई। करीब 50 फिल्मों में इन्होंने काम किया और अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया। साल 2015 में आई फिल्म यवाडे सुब्रमण्यम इनके फिल्मी करियर की अंतिम फिल्म थी। हेलो, इंस्पेक्टर खान स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, जिस पूजा वर्मा की लाश को आप तलाश कर रहे हैं, उस लाश का मटके के लेके पीछे किसी ने क्रियाकर्म कर दिया है। कौन हो तुम, कहां से बोल रहे हो? हेलो। 14 जनवरी 2016 को राजेश विवेक को हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा और फिल्म जगत ने अपना एक सितारा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन फिल्म जगत इनकी कमी को हमेशा महसूस करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी राजेश विवेक जी। देश दुनिया से संबंधित खबरों, रोचक तथा ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिए नारद टीवी को। धन्यवाद।